में बाढ़ के बाद यह बात सामने आई है कि कुछ स्थानीय नेता जिला प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारियों पर अपने अपने इलाके में ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने का दबाव बना रहे हैं। जिला प्रशासन की शिकायत पर नागपुर पुलिस ने युवा कांग्रेस पदाधिकारी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। नंदनवन इलाके में जब प्रशासन कामला बाढ़ मुआवजे को लेकर पंचनामा बनाने गए तो वहां नयन तरवटकर के नाम से एक कांग्रेस पदाधिकारी ने प्रशासनिक कर्मचारी को धमकाया, उन्हें अभद्र भाषा में गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी। कर्मचारियों ने यह मामला कलेक्टर के संज्ञान में लाया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने औपचारिक शिकायत दर्ज की। पुलिस ने नयन तरवटकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसी के साथ यह बात सामने आई है कि कुछ फर्जी एजेंसियां भी हमें मुआवजा मिलवा देते, ऐसे कहकर बाढ़ पीड़ितों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसी फर्जी एजेंसियों के खिलाफ जल्द ही मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसी बीच 22,000 से अधिक परिवारों का पंचनामा पूरा कर लिया गया है और प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए 10,000 सानुग्रह अनुदान का वितरण शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।